हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी आईक्यू अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं बहुत बड़ी न्यूज लेकर के आ गया हूं। अभी 1,00,000 पोस्ट में भर्ती निकलने वाली है आरआरसी ग्रुप डी 2019, इसके अंदर लेवल 1 पोस्ट के अंदर। तो आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट के अंदर बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली, लगभग 1,00,000 वैकेंसी है इसमें टोटल, ठीक है दोस्तों। तो ये आप सभी को पता होगा, 1,00,000 वैकेंसी है जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। तो ये आप कितनी वैकेंसी है, और 30,000 जो वैकेंसी है वो एनटीपीसी वगैरह बहुत सारी इनके लिए हैं। तो आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट के लिए आई हुई है। तो इसमें आपको सबसे बड़ा सवाल क्या है जनरल वालों का, कि जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों को 10% आरक्षण को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उनको आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और 10th पास 12th पास को मिलेगा या नहीं मिलेगी इसमें नौकरी, तो ये भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आपको वीडियो को क्या करना है, अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलते हैं, जानकारी जान लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है दैनिक भास्कर के अंदर। तो अभी पूरा आपको न्यूज़ बताने वाला हूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये 23 तारीख को आया हुआ था 4:30 बजे, ठीक है। तो आपको मैं पूरी जानकारी बताता हूँ। तो आरआरसी ग्रुप डी 2019 खुशखबरी, ग्रुप डी के लिए लेवल के लिए रेलवे करेगा 1,00,000 भर्तियाँ। जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों को मिलेगा 10% आरक्षण। तो दोस्तों, इसमें सभी को आरक्षण मिल रहा है, यानी कि जनरल जो कैटेगरी में आते हैं उनको 10% आरक्षण मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा उनके लिए फ़ायदा होने वाला है। तो आरआरसी ग्रुप डी 2019 सरकारी नौकरी रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 के लिए 1,00,000 नई भर्तियाँ निकाली जा रहा है। तो ये देख पा रहे हो बिल्कुल, ये रेलवे ग्रुप डी पद पर 1,00,000 नई भर्ती। तो ये अभी आपका बहुत वायदा होने वाला है। अगली अपडेट क्या है, पूरा अपडेट पढ़ लेते हैं। नए साल में रेलवे ने रोज़गार के लिए एक और नई और बड़ी पहल की। पिछले साल ग्रुप डी की रिले 63,000 भर्तियाँ निकालने के बाद अब इस ग्रुप यानी कि ग्रुप डी के लिए 1,00,000 नई भर्तियां निकालने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बार भी भर्तियां लेवल 1 आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 पदों पर की जाएगी। लेवल 1 में ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 टेक्निकल डिपार्टमेंट यानी लेवल रेलवे के तकनीकी विभागों जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल और एंड टी में हेल्पर असिस्टेंट और पॉइंट्समैन की नियुक्ति की जाएगी। तो एक बात और, खास है रेलवे में रिक्वायरमेंट के लिहाज से जान लेना जरूरी है। दरअसल रेल मंत्रालय ने ग्रुप डी के रिक्वायरमेंट यानी कि भर्तियों के लिए आरआरसी रेलवे रिक्वायरमेंट सेल बनाया है, यानी अब इस नियुक्तियों की प्रक्रिया और इसका नोटिफिकेशन आरआरबी नहीं बल्कि आरआरसी भी ही करेगा। तो ये आपको अलग बहुत बड़ी अपडेट है, आरआरबी नहीं करेगा, आरआरसी करेगा, ये आपको जानना है। कैसे मिलेगी ग्रुप डी भर्ती की जानकारी, आरआरसी ग्रुप डी 2019 एक पहल की क्या करना है आपको, आरआरसी 23 फरवरी यानी कि आज इन भर्तियों के बारे में नोटिफिकेशन रोजगार समाचार में करेगा। योग्य और इच्छुक लोग 12 मार्च 2019 से आवेदन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेगी यानी आवेदन कर सकेंगे। एक और अहम बात यह है कि सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सरकार ने 10% का आरक्षण दिया था, उसका फायदा इन भर्तियों में संबंधित आवेदकों को मिलेगा। आवेदन की आयु गणना 1 जुलाई 2019 के आधार पर की जाएगी। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। कितना होगा आवेदन शुल्क, ये भी आपको बता देता हूँ। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये होगा। आरक्षित वर्गों जैसे SC ST महिला आदि के लिए यह शुल्क आधा यानी कि 250 रुपये। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी मिनिस्ट्री के अलावा कुछ अन्य पदों पर भी 30,000 नियुक्तियां की जाएगी। बता दें कि नॉन टेक्निकल कैटेगरी में TC टाइपिस्ट TTE और ASM यानी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जैसे पद होते हैं। इनके लिए आवेदन 28 फरवरी के लिए किए जा सकते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ कैटेगरी की में भी नियुक्तियाँ की जानी है। पैरामेडिकल के आवेदन 4 मार्च से किए जा सकते हैं। तो आपको ये देख पा रहे होंगे बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। और आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट कब जारी हो सकता है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के आखिरी में ग्रुप डी के 63,000 पदों की परीक्षा नतीजे इस महीने के आखिरी में यानी कि 28 फरवरी तक जारी कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए ऑफिशियल अपडेट है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।